अब लालू प्रसाद एंड फैमिली पर जमीन के बदले नौकरी देने के मामले पर हो रही ईडी की कार्रवाई से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बढ़ी लालू परिवार की मुश्किलें। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी के घर पर छापा, 14 घंटे से ज्यादा चली ईडी की रेड। ईडी के रडार पर लालू प्रसाद यादव के समधी यूपी के गाजियाबाद में ईडी का छापा, 13 घंटे तक चली कार्रवाई। जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव की पत्नी है लालू की बेटी रागिनी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरजेडी नेता अबू दोजाना के घर पर भी ईडी का छापा। एबीपी न्यूज से बोले दोजाना, मैं निर्दोष हूँ, फंसाने की कोशिश हो रही है। लालू परिवार पर छापेमारी पर नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी। ईडी की कार्रवाई पर पूछे गए सवाल का नहीं दिया जवाब। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में कल दिन भर हुई कार्रवाई। लालू की बेटी चंदा यादव के घर भी ईडी की छापेमारी हुई। दिल्ली के सैनिक फार्म्स वाले घर पर अपने परिवार के साथ रहती है चंदा। कल सुबह 9 बजे पहुंची थी ईडी की टीम, देर रात तक चली कार्रवाई। ईडी की रेड को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा जो करेगा भ्रष्टाचार उसकी जांच होगी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में कल दिल्ली मुंबई से लेकर पटना तक पड़े हैं छापे। ईडी की कार्रवाई पर सीताराम येचुरी का बयान, कहा एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, विपक्षी नेताओं का निशाना बनाया जा रहा है। आरोप है कि उसकी जांच हो लेकिन किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ईडी की कार्रवाई को लेकर बिहार की सियासत गरमाई। देवेगौड़ा के पीएम रहते केस और चार्जशीट हुआ। यूपीए सरकार में लूट का लाइसेंस मिला, मोदी सरकार पर सवाल का कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, इटावा में बोले 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं बचेगा जिसके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स की जांच न हो। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता शांतनु बैनर्जी पर गाज, 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की 11 दिनों की ईडी रिमांड मंजूर। पशु तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की अदालत का फैसला। और अब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर गुजरात में गरमाई सियासत, आइए उसी से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास। प्रस्ताव को गुजरात के 156 विधायकों का समर्थन। बड़ा सवाल, क्या प्रस्ताव के जरिए बीबीसी पर कोई एक्शन लिया जा सकेगा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खूब लगे मोदी मोदी के नारे। बीजेपी विधायक बोले, बीबीसी ने गुजरात और मोदी के खिलाफ साजिश रची है, अब लिया जाएगा कड़ा एक्शन। बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पर हुई बहस में अहमदाबाद के विधायक अमित ठाकर ने कांग्रेस पर बीबीसी के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोप लगाए हैं। अब केंद्र को की जाएगी बीबीसी पर एक्शन की सिफारिश। 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली बीबीसी की दोहरी नीति सामने आई। बीबीसी ने सर डेविड एटनबरो की वाइल्ड लाइफ पर बनी सीरीज प्रसारित न करने का फैसला किया। कहा, दक्षिण पंथियों के विरोध प्रदर्शन का डर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।